हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डिजिस। माय नेम इज सोइकत माझी। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि रेड क्लॉज एलसी क्या है। तो उससे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि नॉर्मल एलसी में क्या होता है, फिर हम लोग आएंगे कि रेड क्लॉज एलसी के बारे में। तो नॉर्मल एलसी में क्या होता है, जब क्रेडिट कंप्लाइंट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है तो उसके बाद एलसी इशुइंग बैंक जो अंडरटेकिंग इश्यू किया था उसके बेसिस पे वो पेमेंट करता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जनरली, मान लीजिए नॉर्मल एलसी में इनवॉइस हो गया, इनवॉइस हो गया, और क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट डॉक, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट हो गया। तो ये सारा डॉक्यूमेंट मान लीजिए एलसी में कॉल किया है, और डॉक्यूमेंट्स अगर एज पर जो एलसी टर्म्स है वो अगर प्रेजेंट होता है तो आफ्टर दैट इश्यूइंग बैंक पेज टू द प्रेजेंटिंग बैंक। ये नॉर्मल एलसी में ये होता है। तो ये पेमेंट कब होता है, आफ्टर शिपमेंट, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आता है। बट रेड क्लॉज एलसी में क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट आता नहीं है, ये बिफोर शिपमेंट पेमेंट रिलीज होता है। तो रेड क्लॉज एलसी में जनरली क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल होता है, रेड क्लॉज एलसी में हो सकता है आपका ओनली बेसिस ऑफ ड्राफ्ट, ये पेमेंट हो सकता है कि डॉक्यूमेंट क्या आएगा, मान लीजिए ड्राफ्ट कॉल कर लिया, ड्राफ्ट के बेसिस पे वो पेमेंट रिलीज हो गया। या फिर क्या हो सकता है, कॉपी ऑफ प्रोफॉर्मा इनवॉइस, इनवॉइस, और क्या हो सकता है, कोई बेनिफिशियरी का क्लेम लेटर, इसके बेसिस पे पेमेंट रिलीज हो सकता है। या फिर कोई और डॉक्यूमेंट है जो एज पर देयर एग्रीमेंट जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे बिफोर शिपमेंट ये पेमेंट रिलीज हो सकता है। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि रेड क्लॉज एलसी में आपका जो पेमेंट रिलीज होगा वो बिफोर शिपमेंट होगा। और इसको रेड क्लॉज क्यों किया, क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक्चुअली बहुत पहले जमाने में हम लोगों का जो एलसी इशू होता था वो हार्ड कॉपी में इशू होता था। अभी तो हम लोग स्विफ्ट मोड में एलसी ऑनलाइन एलसी इशू करते हैं, बट पहले क्या होता था, हार्ड कॉपी एलसी इशू होता था। और कोई भी रेड क्लॉज एलसी होता था जो जहां पे एडवांस पेमेंट टर्म्स रहता था, तो वो रेड क्लॉज में हाईलाइट करके वो एलसी इश्यू किया जाता था ताकि वो नोटिस में आए। तो उसके वजह से इसका नाम ऐसे ही चलते आ रहा है कि उसको रेड क्लॉज एलसी बोला जाता है। बट अभी वो रेड क्लॉज कहीं भी, मतलब रेड वॉर्डिंग्स पे कहीं ऐसा रहता नहीं है, क्योंकि अभी स्वीट मोड पे ही जनरली मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल एलसी इशू होता है। रेड क्लॉज एलसी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, रिक्वायरमेंट इसलिए होता है जो सप्लायर है उसको जो गुड्स प्रोक्योर करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए मान लीजिए उसको फंड्स का जरूरत पड़ता है, तो वो इसलिए वो क्या करता है, जो बायर को इंसिस्ट करता है कि आप सर्टेन परसेंटेज का आप मेरे को एडवांस पेमेंट कीजिए और सर्टेन परसेंटेज आफ्टर शिपमेंट आप पेमेंट कीजिए। तो क्या हो सकता है, मान लीजिए रेड क्लॉज एलसी में 30% जनरली जो होता है, 30% जो ऑफ द एलसी वैल्यू बिफोर शिपमेंट पेमेंट होता है। और 70% एलसी वैल्यू आफ्टर शिपमेंट, आपका शिपमेंट पेमेंट। तो ऐसा सिनेरियो में जनरली टू टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन एलसी में अलाउ किया जाता है, पार्ट ए प्रेजेंटेशन, पार्ट बी प्रेजेंटेशन। तो जनरली क्या होता है, पार्ट ए प्रेजेंटेशन में जो कि एडवांस है, इस प्रेजेंटेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल किया जा सकता है, और पार्ट बी प्रेजेंटेशन में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स कॉल किया जाता है। तो पार्ट ए प्रेजेंटेशन जो कि बिफोर शिपमेंट आपका रिलीज पेमेंट रिलीज होता है, उसमें क्या कॉल कर सकता है कि जैसे मैंने बोला कि हो सकता है ओनली बेसिस ऑफ ड्राफ्ट
ये पेमेंट रिलीज होगा, या फिर ओनली बेसिस ऑफ प्रोफोमा इनवॉइस, परचेस ऑर्डर का कॉपी कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ये पेमेंट रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो फाइनल जो पेमेंट वो रिलीज होता है पार्ट बेसिस, पार्ट बी प्रेजेंटेशन। अब पार्ट बी प्रेजेंटेशन में आपका बाकी जितना सारा डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो कॉल किया जाता है। उसमें क्या क्या रह सकता है, इन्वॉइस, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पैकिंग लिस्ट, एनी अदर सर्टिफिकेट, जैसे नॉर्मल एलसी में खुलता है। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं रेड क्लॉज एलसी में रिस्क क्या है। रेड क्लॉज एलसी में जैसे हमने डिस्कस किया कि दो पार्ट में प्रेजेंटेशन रहता है, पार्ट ए पार्ट बी प्रेजेंटेशन रहता है। पार्ट ए का प्रेजेंटेशन जो पेमेंट रिलीज होता है बेसिस ओनली परफॉर्म इनवॉइस और ड्राफ्ट, कॉपी ऑफ ड्राफ्ट, और उसमें बिफोर शिपमेंट ये पेमेंट रिलीज हो जाता है। तो बिफोर शिपमेंट अगर पेमेंट रिलीज हो जाता है तो वो रिस्क हो जाता है इम्पोर्टर के लिए, क्योंकि मान लीजिए ये पेमेंट करने के बाद हो सकता है ये एक्सपोर्टर बाकी शिपमेंट ना करे, या फिर कोई भाग जाए, कहीं डिफॉल्ट हो जाए, तो एक्सपोर्टर ये शिपमेंट ही ना किया हो इस पेमेंट के बाद, तो उस केस में इम्पोर्टर को जो गुड्स ये रिसीव करना था वो रिसीव करने का नहीं भी मतलब रिसीव हो सकता है। तो यही रिस्क जो इसको रह जाता है। तो आई होप ये वीडियो मतलब जो एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा रेड क्लॉज एलसी क्या है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।